आधुनिक युग की संजीवनी है सेमीकंडक्टर और इस उद्योग का पूरे दुनिया में उज्जवल भविष्य दिखता है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि इसका आकार कितना बड़ा हो सकता है या किस दिशा में आगे बढ़ता है और कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन भारत में हर पहलू पर काम हो सकने योग्य प्रतिभा मौजूद है। और जब लोहा गर्म ही है तो भारत सरकार ने हथौड़ा चलाने का शुभ काम करने का बीड़ा उठाया है। नमस्कार, स्वागत है TFI पर, भारत के सबसे बड़े अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल पर। और मैं अभिनव आज आपको अवगत कराऊंगा कि क्या है सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की क्षमता और कैसे इसमें रॉकेट की स्पीड से भारत की उड़ान को देखने के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयास को तैयार है। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखना शुरू करें, आपने मुझे इस संस्कृत उद्धरण और भारतीय नायकों की प्रिंट वाला यह अद्भुत टी शर्ट पहने हुए देखा हो। और अच्छी खबर यह है कि आप इन्हें आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। अभी TFI स्टोर पर जाएं और ढेर सारे विकल्पों में से अपना पसंदीदा टी शर्ट चुने। सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार $1 ट्रिलियन से बड़ा होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार फिलहाल सेमीकंडक्टर की वैश्विक बिक्री के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 46% बाजार हिस्सेदारी है। ये कंपनियां बाजार हिस्सेदारी के क्रम में शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर उद्योग के लीडर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें से इंटेल कॉरपोरेशन, सैमसंग कॉरपोरेशन, निविडा, टेक्सास और ब्रॉडकॉम इंक जैसे हैं। इन 5 कंपनियों के पास भारत की अर्थव्यवस्था का 45% दमदारी है। हमारे इतने बड़े देश के सकल घरेलू उत्पाद का 45% आर्थिक कीमत रखना अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छे से जानते हैं और शायद इसीलिए वह इस क्षेत्र में दिख रही अपार संभावनाओं के मद्देनजर क्रांति लाने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही टाटा समूह द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट यूनिट स्थापित करने के लिए $300 मिलियन तक के निवेश की योजना के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग बहुत आवश्यक ध्यान और गति प्राप्त कर रहा है। खासकर चिप की कमी के संकट के बाद से जो चरम के दौरान उत्पन्न हुआ था, वहां से आपदा में अवसर बनाकर भी टाटा कमर कस चुकी है। अनुसंधान और विकास तथा प्रतिभा आपूर्ति की बात करें तो भारत सेमीकंडक्टर व्यवसाय के लिए नया नहीं है। कंप्यूटिंग उपकरणों के कारोबार में कुछ प्रमुख नाम पहले से ही भारतीय प्रतिभा से लाभान्वित हो चुके हैं और ऐसा ही एक व्यवसाय सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया R&D है। लेकिन यह क्रांति आएगी कैसे? भारत में मौजूद स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत अब भारत इस मोर्चे पर काम कर रहा है और देश में 4 से 5 सिलिकॉन वैली बनाने की योजना बना चुका है। भारत में चल रही डिजिटल क्रांति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारी समर्थन प्राप्त। पिछले महीने ही PM मोदी ने कहा कि भारत 5 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है और वह क्षेत्र है सार्वजनिक सूचना, अवसंरचना, शासन और वित्तीय समावेशन, स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र, उद्योग और सेवाएं तथा दूरसंचार और साइबर सुरक्षा। दिमागी ताकत के अलावा भारत की बढ़ती उत्पाद तथा उद्यम की जरूरतें देश को अनुसंधान एवं विकास केंद्र तथा संभावित रूप से निर्माण और संयोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक आकर्षक स्थान बना रही है। आपको बताते चलें कि सेमीकंडक्टर उद्योग में अनुसंधान एवं विकास 2 महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के अनुसार भारत ने अतीत में R&D का लाभ उठाया है। सैमसंग के भीतर कोरिया में हमारी उत्पाद योजना टीम SSIR भारत से बाहर की निर्माण इकाइयों के बीच एक सेतु का काम करती है। भारत में मोबाइल का बढ़ता उपयोग और उनमें उच्च कंप्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता अन्य प्रमुख कारण हैं, जिसके चलते भारत चिप क्रांति के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है। आज यहाँ एंट्री लेवल स्मार्टफोन को भी बाजार में अलग दिखने के लिए AI की आवश्यकता होती है। कई औद्योगिक कार्यों के लिए उच्च कंप्यूटेशनल शक्ति और एज कटिंग की आवश्यकता होती है। भारत स्वायत्त वाहनों के लिए भी एक उच्च संभावित बाजार है, जिसके लिए उच्च प्रदर्शन स्थानीय कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। SSIR के इंजीनियरों, जिनके पास 450 से अधिक पेटेंट हैं और कई आवेदन चरण में हैं, इन्होंने इन सभी बढ़ते कंप्यूटेशनल सेगमेंट में प्रौद्योगिकी का विकास किया है। भारत में चल रहे सेमीकंडक्टर संकट ने ऑटोमोटिव उद्योग को पंगु बना दिया है। इसको देखते हुए टाटा समूह भारत में अपने सेमीकंडक्टर असेंबली इकाई स्थापित करना चाहता है और वह दमदारी से भारत में स्थापित होने की दृष्टि से यह आरंभ कर रहा है। मामले से परिचित 2 सूत्रों के अनुसार टाटा समूह सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाई स्थापित करने के लिए 300 मिलियन तक का निवेश करने के लिए 3 राज्यों के साथ बातचीत कर रहा है। टाटा समूह ऐसे पैसों में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाई में निवेश करेगा।
टाटा समूह वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भूमि की तलाश कर रहा है। इन राज्यों में अगले महीने फैक्ट्रियों के स्थान तय होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि टाटा समूह आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि की तलाश कर रहा है। टाटा समूह की हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवसाय में भारी निवेश करने की योजना है तथा सेमीकंडक्टर उद्योग में इसका माहौल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में कोई संदेह नहीं है कि जब टाटा जैसे प्रमुख कंपनियां पहले ही भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हों, तो वहीं पर मोदी सरकार की वित्तीय सहायता किसी अप्रत्याशित वरदान से कम नहीं। अब भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा और रॉकेट की रफ्तार से उड़ेगा।